हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम कितने तरीके के अकाउंट होते हैं इसमें और कंट्रीब्यूशन लिमिट्स क्या हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ एनपीएस अकाउंट्स। दो तरीके के अकाउंट होते हैं, टीयर वन टीयर टू। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहला टाइप होता है दोस्तों टीयर वन अकाउंट। अगर आपको एनपीएस में एनरोल होना है तो टीयर वन अकाउंट मैंडेटरी है। टीयर वन आप अकेला खुलवा सकते हो, चाहो तो टीयर टू मत खुलवाओ, लेकिन अगर आप चाहो कि टीयर टू खुलवाना तो टीयर वन होना बहुत ज़रूरी है। टीयर वन के बिना टीयर टू नहीं खुलेगा, और चाहो तो दोनों खुलवा लो। तो टीयर वन मैंडेटरी है। टीयर वन अकाउंट वो होता है जिसमें आपको 60 साल तक इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे आपकी एज 60 साल हो जाएगी, जितना पैसा बना होगा उसका 60% आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। 40% पैसा गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, उसकी 6% एन्युइटी बनाएगी और आपकी हर मंथली पेंशन आएगी। डेथ के बाद जो 40% पैसा है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ये आपने ऑलरेडी हमारी वीडियोज में टीयर वन के बारे में बहुत बार सुना होगा। बाकी मैं टीयर वन जो मेन अकाउंट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो डिटेल में जान सकते हैं कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या पूरा का पूरा सिस्टम होता है टीयर वन अकाउंट में। दूसरा आता है दोस्तों टीयर टू अकाउंट। टीयर टू अकाउंट कुछ नहीं है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट है। जैसे आप म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हो ना, सेम उसी की तरह है। इसमें कोई टैक्स बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। अगर आप चाहो तो खोलो, नहीं चाहो तो आप अगर बाहर से कहीं से म्यूचुअल फंड वगैरह ले रखा आपने तो वही बेस्ट है। टीयर टू में ये फायदा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो टैक्स बेनिफिट लेने के लिए 1.5 लाख तक का वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अलावा जितने भी लोग हैं प्राइवेट सेक्टर के या फिर पब्लिक सेक्टर के, उनको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, वो चाहे खोलें चाहे ना खोलें। दो तरीके के एनपीएस अकाउंट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों कंट्रीब्यूशन लिमिट्स। मिनिमम कोई भी अगर आप कंट्रीब्यूशन करने जाओगे टीयर वन अकाउंट में तो आप मिनिमम 500 रुपीज़ आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है। आपको अपना टीयर वन एनपीएस का अकाउंट एक्टिव रखने के लिए ईयरली कम से कम मिनिमम 1000 रुपीज़ का जमा करवाना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट बंद ना हो तो हर एक साल मिनिमम 1000 रुपये उसमें जमा करना ज़रूरी है, तभी आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। मिनिमम ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन 500 है, 500 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन कर सकते हो और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आप कितनी भी कंट्रीब्यूशन करो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।